नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के पांच धाकड़ न्यूज एंकर के बारे में। आजकल के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत ज्यादा महत्व है। हर छोटी से बड़ी खबर हम लोगों को न्यूज चैनल या अखबार के जरिए मिल जाती है। इन्हीं न्यूज चैनलों में एंकरिंग करके दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। बिहार के महान भूमि पर जन्मे कुछ ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स एवं जर्नलिस्ट जो बिहार का नाम पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे ही मशहूर जर्नलिस्ट के बारे में। अंजना ओम कश्यप, जो कि हिंदुस्तान की जानी मानी जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर है, इनका जन्म 12 जून 1975 को बिहार के रांची शहर, जो अब झारखंड में है, में हुआ था। पत्रकार के रूप में दशकों के अनुभव के साथ अंजना निर्भीक अंदाज के साथ खबरों को जनता के सामने पेश करती है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर अंजना का विशेष ज्यादा धमक है। न केवल ग्राउंड रिपोर्ट बल्कि जनता के साथ लाइव शो के जरिए अंजना ने देश भर की हर बड़ी खबर को जनता तक पहुंचाया है। आज तक पर हल्ला बोल और स्पेशल रिपोर्ट के लिए अंजना बहुत मशहूर है। अंजना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रांची झारखंड से की है। अंजना के मंत्र है धारदार पत्रकारिता, जो मुद्दों के साथ कभी समझौता न करे। धारदार सवालों की बौछार अंजना की पहचान है। अंजना ने कई आम और विधानसभा चुनाव देश के कोने कोने में जाकर कवर किए हैं। हर चुनाव में हजारों किलोमीटर तक अंजना का चुनावी कारवा चलता है, जो अपने शो राजनीति के जरिए अंजना ने टीवी पत्रकारिता में ये साबित किया है। अंजना ओम कश्यप आज तक समाचार चैनल का एक कार्यकारी संपादक है। वह भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध पत्रकारों में से है। श्वेता सिंह, जो आज तक की मशहूर न्यूज प्रेजेंटर हैं, इनका जन्म 14 दिसंबर 1977 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। श्वेता स्पोर्ट्स संबंधित न्यूज को कवर करने में एक्सपर्ट है। उनका एक शो सौरभ का सिक्सर को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया SIFI के द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम अवार्ड से 2005 में सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में दो दशक से अधिक वक्त बिता चुकी श्वेता 15 वर्षों से आज तक से जुड़ी है। श्वेता इकलौती पत्रकार है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ एंकर, सर्वश्रेष्ठ प्रोड्यूसर और सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर का अवार्ड मिल चुका है। 2016 में श्वेता को अलग अलग समारोह में कुल 12 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्वेता सिंह समाचार प्रस्तुत करता है। वह आज तक में विशेष कार्यक्रम के एक समाचार एंकर और कार्यकारी संपादक है। सुशांत सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पटना के संत जेवियर हाई स्कूल से की और इग्नू से बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया। उसके बाद हायर नेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटरिंग के लिए इडिक्सल यूनिवर्सिटी लंदन गए। उनके कुछ कार्यक्रम जैसे प्रश्नकाल, सुनो इंडिया, जवाब तो देना होगा बहुत मशहूर हुए, क्योंकि उसमें रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली समस्याओं की चर्चा हुई थी। प्रसून बाजपेयी का जन्म 18 मार्च 1964 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आज तक पर 10 तक नाम से आ रहे शो के लिए प्रसून बहुत मशहूर हैं। 29 साल के अनुभव के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में काफ़ी मशहूर हैं। इन्होंने अपना करियर 1996 में आज तक के साथ शुरू किया। 2001 में इनको इंडियन पार्लियामेंट अटैक पर एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि इन्होंने लगातार 5 घंटे तक लाइव एंकरिंग की थी। इसके अलावा 2005, 2006 और 2006-07 में इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने 6 किताबें लिखी है जो पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं। रवीश कुमार का जन्म बिहार के मोतिहारी में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। ये भारत के राजनीतिक मुद्दे को कवर करने के लिए मशहूर हैं। ये NDTV न्यूज के फेमस शो
रवीश की रिपोर्ट प्राइम टाइम और हम लोग के जरिए मशहूर है। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पटना के लोयला हाई स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के देश बंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2010 में इनको भारत के राष्ट्रपति से गणेश संस्कार विद्यार्थी अवार्ड मिला और साथ ही साथ 2007 में और 2013 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।